क्या आप जानते हो कि अगर आप शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम देंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे और आपके सारे महत्वपूर्ण अंग अच्छे से काम करेंगे। यदि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम नहीं मिलता है तो बहुत सारे बीमारियां जैसे मांसपेशियों में दर्द, दिल का धड़कन कम हो जाना या फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। पोटेशियम केवल फलों में ही नहीं, और भी बहुत सारे चीज है जिनमें आसानी से मिल जाता है। तो चलिए मैं सुरंजन कुंडू आपको बताता हूं टॉप 15 पोटेशियम रिच फूड्स के बारे में। इसमें नंबर 1 बनाना, जो आप रोजाना ले सकते हो, इसमें पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। नंबर 2 ऑरेंज, आप जूस का तौर पे भी ले सकते हो। नंबर 3 क्यूकम्बर, आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसमें पोटेशियम छोड़ के भी बहुत सारे विटामिन्स का भी स्रोत है। नंबर 4 पोटैटोस, आप सब्जी में ले सकते हो या बॉयल करके भी ले सकते हो। नंबर 5 टूना फिश, रोजाना थोड़ा थोड़ा लीजिए। नंबर 6 सोयाबीन, ये पोटेशियम का अच्छे स्रोत है, पोटेशियम छोड़ के भी इसमें बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन्स भी होता है। नंबर 7 ग्रेप फ्रूट जूस, इसमें पोटेशियम छोड़ के भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो आप रोजाना ले सकते हैं। नंबर 8 पे है मशरूम्स, ये रोजाना लीजिए। नंबर 9 पम्पकिन सीड्स, पोटेशियम का अच्छे स्रोत है। नंबर 10 डेट्स, पोटेशियम का अच्छा स्रोत भी है, आप रोजाना थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। नंबर 11 स्पाइनेक, ये एक हरी सब्जी है, इसमें पोटेशियम छोड़ के भी विटामिन का कई स्रोत है, आप रोजाना ले सकते हैं। नंबर 12 पीस, इसमें भी पोटेशियम बहुत अच्छा मात्रा में होता है। नंबर 13 लेंटिल्स, रोजाना लीजिए, पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। नंबर 14 नट्स, नट्स में पोटेशियम बहुत अच्छा मात्रा में होता है, रोजाना थोड़ा थोड़ा लीजिए। और नंबर 15 है मीट, आप हफ्ता में 2 बार लीजिए। पोटेशियम आपका शरीर में बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको रोजाना थोड़ा मात्रा में लेना चाहिए। आशा करता हूँ आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेल्दी टू माईसेल्फ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।